नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय, आपकी खबर। अब देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। सिक्किम में लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन की चपेट में आया घर, 3 लोगों की गई जान। मिली जानकारी के अनुसार गैंगटॉक के रोंगे दुकानदारा डेक्चिलिंग में देर रात करीब 1 बजे भूस्खलन के चलते एक घर इसकी चपेट में आ गया, जिससे 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। उक्त घर बिमल मंगर का बताया जा रहा है। उनकी पत्नी डोमा शेरपा और 2 बेटे जो एक 10 वर्ष और एक 7 महीने के थे, उनकी मौत हो गई है। वही घटना की जानकारी मिलते ही डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गैंगटॉक, SDRF, फायर ब्रिगेड और सदर पुलिस थाने की टीम मौके पर पहुंचकर उद्धार कार्य में जुटी हुई है। सिक्किम के 6 माइल तादोंग में स्थित SU मुख्य कार्यालय के नजदीक रानीपोल इलाके में छात्र छात्राओं से भरी हुई बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बस रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज के छात्रों को लेकर जा रही थी, जो एक भ्रमण यात्रा के लिए सिक्किम आए थे। सूत्रों के अनुसार बस में 22 छात्र छात्राएं सवार थे, जो पश्चिम बंगाल नंबर के साथ सिलीगुड़ी की ओर जा रही थी। चश्मदीदों के मुताबिक बस डाउनहिल ऑरेंज गांव के पास NH10 से होते हुए रानीपुल की ओर तेज गति से जा रही थी। इसी दौरान बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं पुलिस घटना की जांच कर रही है। कल 29 जून को होगा भाग्यों का फैसला। आखिर किसने फतेह की चुनावी दंगल। कल पहाड़ों में GT और सिलीगुड़ी में महकमा परिषद चुनाव की मतगणना होने वाली है। वहीं हर कोई उम्मीदवार अपनी जीत को लेकर दावा ठोक रहे हैं, लेकिन कल EVM मशीन के खुलते ही और गिनती होते ही जनता का फैसला सामने आएगा। सिलीगुड़ी और पहाड़ के विभिन्न जिलों के स्ट्रांग रूम में बंद पड़ी उम्मीदवारों की ये तकदीर। लगातार हो रही बारिश के कारण एक बार फिर से राष्ट्रीय राजमार्ग 10 भूस्खलन के चलते बंद हो गया है। मानसून सीजन शुरू होने के साथ लगातार राजमार्ग के विभिन्न हिस्से में भूस्खलन की तस्वीरें। सिक्किम में कालिंगपोंग, कालीझोड़ा और विभिन्न जगहों को जोड़ने वाली इस प्रकार की मुख्य मार्गों पर भूस्खलन हो रही है, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के अंधेरी झोड़ा में नजदीक भूस्खलन होने के कारण यह बंद हो गया है। यातायात बाधित हो गई है। मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं डायवर्सन रूट का भी इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। 150 रुपए की लॉटरी ने बदली किस्मत, रातों रात बन गए व्यक्ति करोड़पति। सिलीगुड़ी के फांसीदेवा प्रखंड के खलील जोत इलाके का रहने वाला पेशे से किसान अविनाश सिंह ने 1 करोड़ रुपए की लॉटरी जीत ली है, और इसी बीच हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। सिलीगुड़ी के विधान रोड इलाके में एक सोने के व्यापारी के साथ छिनताई की घटना सामने आई है, जहां उक्त व्यापारी का नाम प्रदीप पॉल बताया जा रहा है। लुटेरे 4 से 5 लाख नगद और कुछ सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। घटना सोमवार देर शाम घटी है। वहीं इस घटना के छिनताई की इस घटना में व्यापारी को भी कोई चोट लगी है। इसके साथ सिलीगुड़ी शहर के व्यस्ततम इलाके से ऐसी लूट की घटना सामने आने के बाद शहर में हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस CCTV फुटेज की मदद से बदमाशों की तलाश कर रही है। 1 जुलाई से करशियंग में प्लास्टिक से बने पॉलिथीन बैग का प्रयोग प्रतिबंध किया जा रहा है। इस संबंध में नगरपालिका प्रशासन के द्वारा माइकिंग कर लोगों के इसके बारे में जानकारी दी गई है। इस बात की जानकारी नगरपालिका के उपाध्यक्ष सुभाष प्रधान ने दी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पिछले 2 सप्ताह से पूरे उत्तर बंगाल में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार हो रही भारी बारिश से शहर के निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। वहीं पहाड़ियों में कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है। भारी बारिश ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को भी काफी प्रभावित किया है, और इसके चलते लगातार बाजारों में सब्जियों के आयात में कमी देखी जा रही है, और लगातार सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते आम लोगों से लेकर विक्रेताओं तक बेहद समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सिलीगुड़ी में मंगलवार की सुबह से ही भारी बारिश शुरू हो चुकी है, और पिछले कई दिनों से ये बारिश हो रही है, जिससे पूरे तरीके से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सोमवार की रात से बारिश शुरू हुई है, मंगलवार की सुबह भी झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि लोग बारिश में रेनकोट पहन करके और छाता लेकर के निकल रहे हैं अपने अपने कामकाज के लिए। राज्य के नेता प्रतिपक्ष और BJP विधायक शुभेंदु अधिकारी का अलीपुर द्वार जिले के जनसभा के दौरान बड़ा बयान, कहा
2024 में लोकसभा और पश्चिम बंगाल की विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा संपन्न, जहां सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि इस पार्टी के नेता और मंत्री हर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है और यही लोग भाई भतीजावाद की राजनीति करते हैं। अलीपुरद्वार जिले में मंगलवार सुबह से भी झमाझम बारिश हो रही है, जिसके कारण पूरे तरीके से लोगों के घर कहीं ना कहीं इस जल से प्रभावित हो रहे हैं और लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम हो रही है, इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है, कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और लोगों को सतर्क और सावधान रहने की अपील की गई है। वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन रोशनी को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जहां हाई कोर्ट ने उक्त याचिका को खारिज कर दी है। इसी बीच राज्य सरकार ने केवल बांग्ला और नेपाली भाषा में प्रश्न पत्र तैयार किया है, जिसके खिलाफ याचिका लगाई गई थी कि अंग्रेजी में प्रश्न पत्र तैयार करने की मांग की गई थी। इसी बीच कोर्ट ने स्पष्ट कर दी है कि परीक्षा का निर्णय जैसा है वैसा ही रहेगा और इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। देश में एक बार फिर कोविड-19 के मामले उछाल देखने को मिल रही है, इसमें और इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,793 नए मामले सामने आए हैं, 27 लोगों की मौत हुई है और आंकड़ा 1,00,000 के ऊपर बताया जा रहा है। आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही, तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर Orchid Building, opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर Orchid Building, opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC 4 grade, AC 5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 94340-40400. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबेल्स, क्रेबट्री, लेग्रेंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834।